नमस्कार साथियों, पूर्णिया किंगडम में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस फैमिली व्लॉग में हम लोग चल पड़े हैं सोनी जी की नसिया को देखने। आइए इसके बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारी आपको दे देते हैं। सोनी जी की नसिया अजमेर शहर में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो कि सोनी जी की नसिया के रूप में लोकप्रिय है और राजस्थान में सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक है। अजमेर का दर्शनीय स्थल सोनी जी की नसिया का नाम सिद्धकूट चैत्यालय है और इसे लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को समर्पित है। सोनी जी की नसिया मंदिर का मुख्य आकर्षण जो है वो उनका मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने की शहरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के संस्करण में ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकलाकृतियों में से एक है। इस मंदिर में सोने की लकड़ी की कई आकृतियां बनी हुई हैं, जो कि जैन धर्म की कई आकृतियों को दर्शाती हैं। सोनी जी की नसिया अजमेर के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। यदि आप इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मंदिर का निर्माण करौली से लाए गए लाल पत्थर से किया गया है और इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम भी कहा जाता है। यह मंदिर एक दो मंजिला संरचना है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर का एक हिस्सा पूजा क्षेत्र है, जिसमें भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी की मूर्ति स्थापित है, जबकि दूसरे हिस्से में एक संग्रहालय और एक हॉल शामिल है। संग्रहालय के इंटीरियर में भगवान आदिनाथ जी के जीवन के पांच चरणों, जिसे पंच कल्याणक कहा जाता है, उसे दर्शाया गया है। यह मंदिर समृद्ध वास्तुकला तकनीक का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। 19वीं सदी के अंत में निर्मित सोनी जी की नसिया एक वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध जैन मंदिर है। अजमेर मंदिर या लाल मंदिर के नाम से लोकप्रिय यह राजस्थान के अजमेर में पृथ्वीराज मार्ग और अकबर किले के बहुत करीब है। इस मंदिर में भगवान ऋषभदेव, जिन्हें अग्निदेव भी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जो कि तीर्थंकरों में से पहले थे और इनके शिष्यों और अनुयायियों का मूल कारण मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय है। कर्ट टीट्स ने अपनी पुस्तक जैनिज्म अ पिक्टोरियल गाइड टू द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, ये उनकी पुस्तक का नाम है, उसमें सोनी जी की नसिया को अजमेर के मुख्य आकर्षणों में से एक बताया है उन्होंने। और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से यह मंदिर एक है और सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होते हैं और इसकी दिव्यता में शांति पाने और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इस हॉल की वास्तुकला में एंग्लो राजपूताना शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। रंगीन शीशों का प्रयोग और मेहराब वाले दरवाजों का डिजाइन ब्रिटिश था और बेहद ही खूबसूरत। आप ये घंटी देखिए, घंटियों का डिजाइन देखिए, कितना खूबसूरत डिजाइन जो है बना हुआ था। और मूर्तियां देखिए आप, कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये पंच कल्याणक जो मैं आपको बता रही थी उनकी मूर्तियां हैं ये, जो कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को दर्शाते हैं। ये सभी सोने से बने हुए हैं और ये देखिए
भगवान आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है और ये सोने से काम किया हुआ है। पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है और भी कई देवी देवताओं की यहाँ पर जो आकर्षक प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई हैं। ये देखिए पंचकल्याणक है इसके अंदर और बेहद खूबसूरत यह मंदिर बना हुआ है। इसमें बहुत ही शांति थी और आपका मन जो है वो एक मिनट के लिए भी विचलित नहीं होगा और बेहद खूबसूरत इस मंदिर का डिज़ाइन था। और ये यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े से लाई गई प्रतिमाएं हैं, कुछ खंडित भी थी, इनमें से जितने को बचाया जा सकता था उतनी मूर्तियों का यहाँ पे संग्रहण किया गया। ये देखिए ऊपर से सारी टूट गई हैं और ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि हिंदू मंदिरों को तुड़वा करके जो है मस्जिद बना दिया गया था। पुराने इतिहास में इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये हम आ गए हैं अब सोनी जी की नसिया के अंदर, जो मेन जो आकर्षण का केंद्र है। आप ये देखिए नगरी जो बसाई गई है और बेहद खूबसूरत इसे बनाया गया है। सोनी जी की नसिया मूल रूप से दिगंबर संप्रदाय से संबंधित एक जैन मंदिर है और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी वहाँ के अधिपति थे। 1857 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अजमेर में एक जैन व्यापारी ने 1864 में इसका निर्माण शुरू किया। उनका नाम राय बहादुर मूलचंद नैनीचंद सोनी था। राय बहादुर शीर्षक यह समझने के लिए पर्याप्त है कि उक्त व्यवसायी जो हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार का संरक्षण भी प्राप्त था। पहली मंजिल को स्वर्ण नगरी कहा जाता है और इसमें पारंपरिक जैन शैली में कुछ सबसे विशिष्ट कला और वास्तुकला के काम हैं और यहाँ का सबसे सुंदर आकर्षण जैन धर्म के दृश्य से पनोरमा का चित्रण है। यहाँ आपको देश के सभी जैन मंदिरों की सोना चढ़ाई हुई प्रतिकृतियाँ यानी कि आप कह सकते हो कि रेप्लिका दिखाई देंगी। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने की प्रक्रिया में लगभग 1000 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ प्राचीन नगरों जैसे कि अयोध्या और प्रयागराज जो हैं उसकी प्रतिकृतियाँ यानी कि उसका मॉडल कह सकते हो आप, उसकी रेप्लिका कह सकते हो, वो भी बनाए गए हैं। और अंदरूनी हिस्से को छत से लटकती चांदी की गेंदों से सजाया गया है और दीवारों और अन्य हिस्सों में भी चांदी की परत और रत्नों से जड़ा हुआ आप उन्हें देख सकते हैं। और ऐसा डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता, वाकई में बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर को 26 मई 1865 को इसके गर्भगृह में अग्निदेव जी की छवि के साथ शिष्यों के लिए से खोला गया था, जो कि जैन के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम हैं। और 1895 में स्वर्ण नगरी को मंदिर में जोड़े जाने के बाद इसे लोकप्रिय रूप से सोने का मंदिर या सोनी मंदिर कहा जाने लगा, जिसमें स्वर्ण संरचना के साथ साथ परिवार का नाम भी शामिल था। यह स्वर्ण नगरी अपनी बारीक कारीगरी और पिचीकारी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। आप देखिए ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ कारीगरी नहीं की गई हो। आप ये जो आर्च बना हुआ है इसके ऊपर देखिए, जूम किया है मैंने यहाँ पर, किस तरीके से भगवानों की मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं। और सलाम है ऐसे कलाकारों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी उत्कृष्टता के साथ में इन मूर्तियों को बनाया है, सजाया है। अब आप देखिए ये हाथी की मूर्तियाँ देखिए और कितना खूबसूरत यहाँ का डिज़ाइन है। और ये सोनी जी के परिवार के कुछ सदस्यों की
यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है। और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है ये इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है। अब आप देखिए ये ऊपर जो आपको छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं ना वाइट कलर में छत के ऊपर, वो चांदी के बॉल हैं, वो चांदी की ये, हाँ जी बिल्कुल, ये चांदी के बॉल से इनको क्या किया, गेंदों से इनको सजाया गया है छत को। और ये देखिए आप कितना बेहद खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी नगरी देखिए आप बसाई हुई है, छोटे से छोटी चीज़ का भी, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। अब आप देखिए बेहद खूबसूरत। जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो गलियारे में मौजूद खिड़कियों से अयोध्या नगरी की अत्यंत सुंदर शिल्पकला और ऋषभदेव जी के जीवन की घटनाएं देखी जा सकती थी। और पूरे हॉल में ऋषभदेव जी के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं के सुंदर मॉडलों से ये पूरा फ्लोर जो है वो भरा हुआ है। और कहानी भगवान इंद्र द्वारा जम्बू द्वीप में अयोध्या नगरी की स्थापना के बारे में है। जब अन्य सभी लोग नष्ट हो गए थे तो इसी अयोध्या नगरी में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ था। जैन साहित्य हमें ऋषभदेव जी की माता द्वारा अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्र के जन्म से पहले देखे गए 16 शुभ सपनों के बारे में बताता है। उनका जन्म उनके माता पिता और आम लोगों के लिए बहुत शुभ था। उनका अभिषेक समारोह सुमेरु पर्वत पर आयोजित किया गया था और ऋषभदेव जी के अभिषेक के समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की तथा कुबेर ने अनेक धन संपत्ति की वर्षा की। तो अब आप ये देख रहे हो जो देवी देवता हैं वो नावों पर बैठ करके, अपने यान पर बैठ करके, ये देखिए यहाँ पर सारी जो हिस्ट्री है वो भी लिखी हुई है कि कौन सा दृश्य किसके बारे में है। तो ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है यहाँ पर, तो आप अपना पूरा समय यहाँ पर बिताएं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और फिर उस चीज़ का फील लें तो आपको बेहद आनंद आएगा इस मंदिर को देखने में। एक दिन ऋषभदेव नीलांजना, जो कि एक अप्सरा का नाम था, उनका नृत्य देख रहे थे और नृत्य के दौरान ही नीलांजना अप्सरा की मृत्यु हो गई और उसका जीवन काल समाप्त हो गया। तब ऋषभदेव जी को ज्ञान का एहसास हुआ, उन्होंने संसार त्याग दिया और तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के बाद उन्हें कैलाश पर्वत पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। परिसर के हॉल में बनाई गई यह अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर है और इसका पूरा मॉडल जो है वो गोल्ड प्लेटेड है। और इस मॉडल को बनाने में करीब 25 साल का समय लगा था। और मंदिर के साहित्य में उल्लेख है कि 1895 में मंदिर के पूरा होने पर एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ तक कि हॉल की छत भी सोने की तरह चमक रही है। मैं मंत्रमुग्ध होकर यहीं खड़ी रह गई और इतिहास की घटनाओं की कल्पना करने लगी। मंदिर ने मुख स्वर में मुझसे कहा कि हे यात्री, 1192 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो अजमेर के सबसे पुराने जैन मंदिर को एक मस्जिद में बदल दिया गया। आप जिसे वर्तमान समय में 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थल पर देख सकते हो। हालांकि भगवान महावीर की भावना और शिक्षाओं को तोड़ा नहीं जा सका, उचित समय आने पर एक नए मंदिर का निर्माण कराया गया जो पहले से भी अच्छा था। मैंने बीते युग की भावनात्मक उथल पुथल को समझा और धीमी आवाज में कहा,
है सुंदर मंदिर, हर युग में दिखाने के लिए, कुछ और साबित करने के लिए कुछ होता ही है। लेकिन जिसने भी तुम्हारे बारे में सोचा, वह सुंदरता की गहराई समझ रखने वाला एक बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति होगा। मैं कामना करती हूँ कि आपकी सुंदरता आने वाली कई शताब्दियों तक बरकरार रहे और हमारी युवा पीढ़ी को आपके इस अद्भुत प्रतिभा को देखने के अवसर मिलते रहें और इतिहास को फिर से जीवंत बनाया जाए। इस भाग की वास्तुकला वास्तव में अद्वितीय है और इस नसिया को हर व्यक्ति को जीवन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। नसिया के इस भाग को देखते जाते समय आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में प्रातः 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही यह देखने के लिए खुलता है और इस भाग को लगभग 30 से 45 मिनट का समय आपको चाहिए इसे देखने के लिए। बेहद खूबसूरत इसकी एक एक चीज़ बनी हुई है, अब आप देख लीजिए। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से वापस अपने घर को लौटें। देखिए कितनी अद्भुत कलाकारी जो हैं वो वाकई में बनाने वाले ने इसे जीवंत रूप जो है वो प्रदान किए हैं। आप देखिए कितना विशाल स्ट्रक्चर है ये। वाकई में बेहद खूबसूरत इस जगह को बनाया गया है। आप इसकी जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी ही कम रहेगी। और अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो अपनी विशलिस्ट में इस जगह को जरूर रखें और अपने परिवार के साथ में आप इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले में। देखिए कितना खूबसूरत ये बनाया गया है और ये मान स्तंभ है जिसे बाद में जोड़ा गया था। ये 82 फुट लंबा है, जो पिलर जो है इसे बाद में आज़ादी के बाद में इसे मंदिर के भाग में जोड़ा गया था। ये भी बेहद खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ है। तो देखिए ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमने यहाँ पर क्लिक की थी और हमारा परिवार जो है बेहद खुश हुआ कि उन्होंने ऐसे किसी खूबसूरत जैन मंदिर के दर्शन किए और भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की। और ये पूरा करौली से लाए हुए लाल पत्थर से बनाए हुए ये दरवाज़ा जो है इसे कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारी फैमिली व्लॉगिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।